दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे, अगर आपका केसीसी बना हुआ है तो फिर आपका पी केसीसी बनेगा या नहीं बनेगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं, यानी अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है तो फिर आपको पशु किसान क्रेडिट कार्ड का लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि पी केसीसी लोन कैसे मिलता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितना लोन आपको मिल सकता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताया था। तो उस वीडियो में मेरे बहुत सारे व्यूवर के बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए हैं कि सर मेरा पहले से केसीसी बना हुआ है, यानी मैंने पहले से केसीसी लोन ले रखा है, तो अब मुझे पी केसीसी लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी विषय पर जानकारी देने वाला हूं कि जिनका भी केसीसी बना है उनका पी केसीसी बनेगा या नहीं बनेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत आप ₹1,60,000 तक का लोन बिना अपना कुछ बंधक किए, बिना किसी गारंटी के आप 4% की सालाना ब्याज दर पर पशु केसीसी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जिनका केसीसी बना हुआ है उनका पी केसीसी बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये कमेंट मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है तो मैं इसका रिप्लाई आप सभी को मैं कर देता हूँ। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं, जिनका भी किसान क्रेडिट कार्ड बना है, जिन्होंने भी केसीसी लोन ले रखा है, अगर वो पी केसीसी लोन लेना चाहते हैं यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं यानी पशुपालन के लिए वो लोन लेना चाहते हैं तो इसका जवाब है बिल्कुल मिलेगा। जिनका भी केसीसी बना है वो लोग पशु केसीसी बनवा सकते हैं, बस इसमें एक शर्त होती है, वो शर्त मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों शर्त ये होती है कि मान लीजिए आपका पहले से केसीसी बना हुआ है और उसकी लिमिट मान लीजिए आपकी ₹1,00,000 की है तो आपकी जमीन बंधक नहीं है, क्योंकि ₹1,60,000 तक अगर आपका लोन होता है तो आपकी जमीन बंधक नहीं होती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए आपने ₹1,00,000 पी केसीसी लोन के लिए अप्लाई किया तो जैसे ही आपको पी केसीसी पर ₹1,00,000 सैंक्शन होगा वैसे ही आपकी जमीन बंधक कर ली जाएगी। यानी आपकी जमीन अगर आपका केसीसी और पी केसीसी दोनों को जोड़ करके दोनों लोन का अमाउंट ₹1,60,000 को क्रॉस कर जाता है तो आपकी जमीन जो अभी तक बंधक नहीं थी वो बंधक कर ली जाएगी, तभी आपको पी केसीसी लोन दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपका पहले से केसीसी ₹1,60,000 से अधिक है तो आपकी जमीन ऑलरेडी बंधक है, लेकिन अगर आपका केसीसी कम का है, जमीन बंधक नहीं है, तो जैसे ही आप पी केसीसी लोन लेंगे और उस आपकी जो लोन की लिमिट है दोनों की जोड़ करके केसीसी और पी केसीसी ₹1,60,000 को क्रॉस कर जाती है तो आपकी बैंक जमीन पहले बंधक करेगा, उसके बाद आपको लोन स्वीकृत करेगा, उसके बाद बैंक आपको लोन डिस्पर्स करेगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जिनका भी केसीसी बना है उनको पी केसीसी लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस तरह से मिलेगा। मैंने सब कुछ बारीकी से समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।